चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। ये सनु जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन को हमने $1700 से सीधे $1600 तक आते हुए देखा है एक से हफ्ता 10 दिन के अंदर। तो आपको क्या लगता है, ये जो $100 की जो गिरावट आई है फंडामेंटल्स तेज रहने के बावजूद, तो क्या सोयाबीन की मार्केट और बाकी एडिबल ऑयल की मार्केट क्या अभी थोड़े टाइम के लिए नीचे जा सकती है या फिर यहाँ से खरीदारी बन जाएगी? देखिए, सोयाबीन और रिफाइंड के अंदर हमें इंटरनेशनली भावों में कुछ नरमी आते हुए देखिए, हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में अभी जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। इंटरनेशनल कारणों की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव कुछ नरम हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर रिफाइंड सोया भी आ सकती है। सरसों की अगर बात करें तो वहां पर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि अभी सरसों के भावों में कुछ और गिरावट आ सकती है। जी अनुजी, कुछ दर्शकों का सवाल है कि फंडामेंटल्स तो तेजी की ओर हैं, तो फिर विदेशी बाजारों में एडिबल ऑयल सेक्टर में ये जो नरमी देखने को मिल रही है क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर अराइवल की वजह से नरमी देखने को मिल रही है और साथ में जिस तरीके से क्रूड के भाव नीचे आए हैं उससे भी भावों को में गिरावट आई है। हमें लगता है कि अभी क्रूड के भाव अगर नीचे रहेंगे तो एडिबल ऑयल से भी कुछ नरमी का ट्रेंड आगे देखने को मिलेगा। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।